घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट कर। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। पुष्पा 2 की कहानी में जरूरी है बदलाव। क्या शहनाज गिल से कॉपी हुआ है अल्लू अर्जुन का सिग्नेचर स्टेप? पुष्पा 2 की कहानी में क्यों जरूरी है बदलाव? क्यों हर कोई देखना पसंद करेगा पुष्पा 2? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का हर एक सीन मानो लोगों को रट चुका है। इस फिल्म की कई बातें इन दिनों सुर्खियों में हैं। फिल्म का सुपरहिट गाना सामी सामी हो या फिर अल्लू अर्जुन का सिग्नेचर स्टेप, ये सभी बातें लोगों के बीच चर्चा में है। यहाँ तक की इन पर जमकर रील्स भी बन रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो अल्लू अर्जुन का नहीं बल्कि शहनाज गिल का है। जी हाँ, जिसमें पंजाब की कैटरीना कैफ अल्लू अर्जुन की फिल्म के इसी सिग्नेचर स्टेप को करती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि ये वीडियो शहनाज गिल के बिग बॉस 13 के दिनों का है, जिसमें शहनाज गिल बिल्कुल इसी तरह अपनी जॉ लाइन पर हाथ फिराती हुई दिख रही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग सोच रहे हैं कि क्या शहनाज गिल के इसी स्टेप को अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा में कॉपी किया है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ना तो उन दिनों पुष्पा की बात चल रही थी ना ही ये सिग्नेचर स्टेप मार्केट में आया था। लेकिन बात यहाँ आती है कि ये वीडियो को ढूंढा किसने? तो बता दे कि ये वीडियो शहनाज गिल के डाई हार्ड फैंस ने ढूंढ निकाला है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में अदाकारा शहनाज गिल हूबहू अल्लू अर्जुन की तरह करती दिख रही हैं, या यूं कह लो कि पुष्पा राज फिल्म में शहनाज की कॉपी करता दिख रहा है। क्योंकि शहनाज गिल का ये वीडियो तो करीब 2 साल पुराना है, जबकि अल्लू अर्जुन की फिल्म हाल ही में थिएटर में पहुंची है। ऐसे में लोग दावा कर रहे हैं कि ये सीन साउथ सुपरस्टार ने शहनाज गिल को देखकर ही चुराया है, और अगर वहां से कॉपी भी हुआ है तो अच्छा है, क्योंकि 2 साल पहले किसी ने भी इस स्टेप को इतना ध्यान से नहीं देखा था। जितना लाइमलाइट में ये अभी आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अल्लू अर्जुन ने इसे किया है। यहाँ से हाई अप अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही बता दें कि पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन अपनी मच अवेटेड फिल्म पुष्पा के दूसरे पार्ट को लेकर जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर लौटने वाले हैं। खबर है कि यह फिल्म इसी साल के अंत तक थिएटर पहुंच सकती है। फिल्म की शूटिंग मार्च महीने में ही शुरू की जाने वाली है, जिसके बाद मेकर्स इसे इसी साल के अंत तक रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार फिल्म को पुष्पा से भी बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, क्योंकि मेकर्स इसकी कामयाबी को पहले ही भाप गए हैं, और ये सब पुष्पा की मैसिव सक्सेस से ही हो पाया है। और अब पुष्पा 2 की मैसिव सक्सेस की तैयारी मेकर्स ने अभी से शुरू कर दी है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर पुष्पा की कहानी भी शामिल है। जी हाँ, वैसे तो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग सबको पसंद आई, लेकिन कहानी को लेकर कई सामाजिक दल फिल्म की आलोचना करते दिखे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। इसलिए मेकर्स को पुष्पा 2 को पॉजिटिव रिस्पांस दिलाने के लिए कहानी में कुछ ऐसे चेंजेस करने की जरूरत है जो बच्चों से लेकर हर सोशल एक्टिविस्ट को पसंद आए। क्योंकि ये तो पक्का है कि पुष्पा 2 हर कोई देखेगा, बस फर्क इतना है कि कोई इसमें कमियां ढूंढने के लिए तो कोई अपने पार्ट 1 के सवालों के जवाब जानने के लिए देखेगा। तो यहाँ ये जरूरी होता है कि मेकर्स कहानी में कुछ जबरदस्त चेंज करे, जैसे अल्लू को पुलिस ऑफिसर दिखाया जाए या फिर ऐसे ही कुछ और। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कहानी को किसी बदलाव की जरूरत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।